गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक्षा गहलोत फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। अपन अपना चैप्टर पल्स टू रिवाइज में ले रहे थे। आज इसका लास्ट टॉपिक बचा है, फिर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट। इस चैप्टर में मैंने आपको क्या क्या बताया था, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि क्रॉप को कैसे लगाया जाता है और उसका ध्यान कैसे रखा जाता है। अब उसके कुछ क्रॉप्स बताए थे मैंने, जैसे क्रॉप्स होती क्या है, जो फील्ड्स में अपन ग्रो करवाते हैं उसको बोलते हैं क्रॉप। क्रॉप दो टाइप की बताई थी, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। अब नेक्स्ट था अपन का बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि जब अपन क्रॉप को लगाते हैं उसमें कौन कौन से पॉइंट्स का अपन को ध्यान रखना पड़ता है और कैसे स्टेप बाय स्टेप ये लगता है। फर्स्ट था अपना प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को कैसे प्रिपेयर करना है, यानी उसको लूज करना है, उसको मॉइस्चर करना है, टीलिंग करनी है, प्लगिंग करनी है, कौन से टूल से होती है, जैसे कि प्लग से, हो से, कल्टीवेटर से। फिर शॉविंग यानी कि बीज को गिराना, यानी कि पहले बीज को गिराने से पहले उसको सेलेक्ट करेंगे कि वो अच्छी क्वालिटी के है या नहीं है। और कैसे पता लगाएंगे, यानी कि सीड्स लेना, उसको पानी में डिप करना, जो सीड्स ऊपर ऊपर रहेंगे यानी कि जो फ्लोट करेंगे, यानी कि वो क्या है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। और जो क्रॉप सिंक हो जाएंगे यानी कि डूब जाएंगे, वो क्या होंगे, अच्छे सीड्स होंगे। फिर कुछ तरीके थे सीड्स को फील्ड में या फिर क्रॉप में डालने के लिए, जैसे कि ट्रेडिशनल टूल था, यानी कि इस तरीके से फनल शेप का टूल था, फिर सीड ड्रिल था, फिर देखो फिर अपन ने क्या किया था, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, यानी कि मैन्योर डालना या फिर फर्टिलाइजर डालना। मैंने मैन्योर बताया था, फर्टिलाइजर दोनों बताए थे, दोनों में डिफरेंस बताए थे, दोनों में ये बताए थे कि कौन सा अच्छा होता है कौन सा ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाता, कौन केमिकल से बना हुआ था कौन केमिकल से बना हुआ नहीं होता है। फिर अपन ने मैन्योर के एडवांटेजेस देखे थे, फिर देखा था इरीगेशन क्या होता है। इरीगेशन यानी कि रेगुलर इंटरवल पे क्रॉप को लगाना, उसको बोलते हैं इरीगेशन। जैसे कि फिर अपन ने या फिर क्रॉप को पानी डालना क्या कहलाता है, इरीगेशन कहलाता है। यानी कि देखो वेल सोर्स क्या क्या हो सकते हैं इरीगेशन के, ये सारे वेल्स, ट्यूब वेल्स, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम एंड कैनाल। कुछ मेथड्स बताए थे जैसे कि मॉट, चेन, डेल की और राहट, ये थे ट्रेडिशनल मेथड। और अभी के क्या क्या थे, यानी कि मॉडर्न मेथड क्या थे, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। ये बताया था कि प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, वीड्स क्या होता है, सबसे पहले वो प्लांट्स जिनकी अपन को जरूरत नहीं होती है फिर भी वो ग्रो हो जाते हैं उनको बोलते हैं वीड्स, ठीक है। उन वीड्स को हटाना, हटाने के लिए क्या क्या करते हैं, अपन उस पर वीडिसाइड स्प्रे करते हैं। वीडिसाइड के क्या यूज है या फिर क्या उसके हार्मफुल जो चीज़ें हैं जिसे फार्मर को ध्यान रखना चाहिए, वो अपन ने इसमें देखा था। फिर आएगा हार्वेस्टिंग, अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। यानी कि जब पूरे क्रॉप अच्छे से मैच्योर हो जाएंगे, यानी कि जो अपन को जिसको अपन यूज करने लग जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, मैच्योर क्रॉप्स को क्या बोलेंगे, काटना, हार्वेस्ट करना। यानी कि मैच्योर को यूज करने के लिए जब उसको अपन काटना स्टार्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे हार्वेस्टिंग। क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, यानी कि कहाँ से इनको काटा जाता है, एकदम ग्राउंड के टच से या कौन को खींच के या फिर बाहर निकाल दिया जाता है। इट यूजली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। सीरियल क्रॉप्स होते हैं यानी कि जो दाल वगैरह होती है, इनको कितना टाइम लगता है मैच्योर होने के लिए, 3 to 4 months। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आदर डन मैन्युअली बाय सीकर और बाय मशीन फॉर हार्वेस्ट। यानी कि हार्वेस्टिंग दो तरीके से होती है, जनरली कौन से, सीकर से या फिर हार्वेस्टर मशीन से। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। क्रॉप को हार्वेस्ट करने के लिए जो भी ग्रेन जिसकी अपन को जरूरत है उसको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे इसमें से कचरे में से। यानी कि आपने वीट का देखा होगा,
इस तरीके से बीट लगे हुए होते हैं अलग अलग अमाउंट में। इसके अंदर गेहूं होता है, इसके ऊपर क्या होता है, कचरा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, काव। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक को सीड से अलग करना, क्या कहलाएगा, हैशिंग कहलाएगा। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। और ये अगर मशीन से करेंगे इसको, तो इस मशीन को क्या बोलेंगे, कंबाइन। विच इज इनफैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर, यानी कि ये हार्वेस्ट भी करता है और थ्रेशिंग भी करता है। फिर देखो नेक्स्ट, फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड्स डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड क्राफ्ट बाय विनोइंग। यानी कि वो फार्मर जिनके जो ना लैंड या फिर क्रॉप फील्ड बहुत छोटी छोटी होती है, तो वो इतनी बड़ी बड़ी मशीन यूज नहीं करते हैं, वो क्या प्रोसेस यूज करते हैं, विनोइंग का। विनोइंग के प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले वो ग्रेन्स को उठाएंगे, ग्रेन्स के अंदर कचरा भी होगा, उठा के उसको एक हाइट से फेंकेंगे, यानी कि एक वहाँ किसी भी जाएंगे वहाँ पे, उस वहाँ से उस ग्रेन को जब नीचे फेंकेंगे, तो जो सीड्स होंगे, सीड्स हैवी होते हैं, तो जो हैवी सीड्स होंगे वो नीचे आके इकट्ठा हो जाएंगे, और जो कचरा होता है यानी कि काफ होता है, बहुत हल्का होता है, तो वो उड़ के साइड में चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विनोइंग। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, अपने इसको 6th क्लास में तो पढ़ा ही होगा। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज। जब भी अपन सीड कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसको रखने के लिए भी तो कोई जगह होनी चाहिए ना, तो उसको बोलते हैं स्टोरेज। प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क, यानी कि जो भी ग्रेन्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो स्टोर करना क्या होता है, इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी कैप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर किसी क्रॉप को बहुत लंबे समय तक चलाने के लिए अपन को इन इन चीज़ों से उसको बचाना पड़ता है। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर, जो भी ग्रेन्स वगैरह होते हैं इनमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, दे मे बी गेट स्पॉइल्ड और अटैक बाय ऑर्गेनिज्म। यानी कि जिन जिन हाँ ग्रेन्स को या फिर जिन सीड्स को अपन ने अभी अभी कट किया है, उसको अगर अपन बिना सुखाए ही स्टोर कर देंगे, तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म लग जाएंगे, मेकिंग दैम अनफिट फॉर यूज और फॉर जर्मिनेशन। और उससे क्या होगा, ना तो वो हमारे लिए यूज आएंगे, और ना ही वो आगे भी जर्मिनेट हो जाए, होने मतलब हो सकेंगे। हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम, द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर। इसीलिए स्टोर करने के लिए उन ग्रेन्स को पहले कहाँ सुखाएंगे, सन में सुखाएंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे। दिस प्रिवेंट द अटैक ऑफ इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगा। इससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें नहीं लगेगी। अब आएगा लास्ट टॉपिक आपका, फूड फ्रॉम एनिमल्स। अच्छा इस ये रह गया थोड़ा सा, इसको देख लेते हैं। फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग और मेटेलिक बिन्स, यानी कि जो बोरी होती है, बोरी के बैग में या तो उसको स्टोर करके रखते हैं, या फिर देखो इतने बड़े बड़े मेटल के बॉक्स होता है, इसमें इसको स्टोर करके रखते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन साइलोस एंड ग्रेनरीज, यानी कि जो बड़े बड़े आपने टैंक्स देखे थे, इसको क्या बोलते हैं, साइलोस बोलते हैं या फिर ग्रेनरीज बोलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेन्स जब होते हैं, तो वो इसके अंदर स्टोर रहते हैं। टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट एंड इंसेक्ट। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम, यानी कि जो सूखी पत्तियां होती है नीम की, उसको जो अपन फूड या फिर ग्रेन्स जो भी स्टोर करके रखते हैं, उसमें डाल देते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउंस, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
जब इसको गोडावन में रखते हैं ग्रीन्स को, तो उस पर ऐसे केमिकल्स का ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि कोई भी पेस्ट या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर आके नहीं लग जाए और अपनी ग्रीन्स खराब नहीं हो जाए। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है फूड फ्रॉम एनिमल्स, यानी कि अपन को एनिमल से कौन कौन से फूड प्रोवाइड होते हैं। कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड काइंड ऑफ फूड, यानी कि प्लांट से और एनिमल से हमें बहुत अलग अलग तरीके का खाना मिलता है। कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट, ये हो गया, मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट, यानी कि वो लोग जो कि कोस्टल एरियाज में रहते हैं, कोस्टल एरिया यानी कि समुद्र के आसपास वाला एरिया, वहाँ पे वो लोग ज़्यादातर क्या खाते हैं, फिश खाते हैं, और ये उनके पूरे डाइट का एक मेजर पार्ट होता है, यानी कि ज़रूरी होता है खाना ये। जैसे अपन बोलते हैं अपने लिए रोटी और दाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे ही उन लोगों के लिए फिश क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, यानी कि प्लांट से अपन को क्या क्या फूड मिलता है वो आप सबको पता है। वी हैव जस्ट सीन दैट वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सेलेक्शन ऑफ सीड, शॉविंग एक्सेट्रा, यानी कि सारे अपन क्या देख रहे थे, पॉइंट्स देख लिए थे। सिमिलरली एनिमल्स रेयर एट होम्स और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, यानी कि उन एनिमल्स रेयर यानी कि पालना, यानी कि एनिमल्स को जब पालते हैं फार्म्स में या फिर होम्स में तो उनका भी ऐसे ही देखभाल करते हैं। शेल्टर एंड केयर, व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, और जब बहुत सारे एनिमल्स का ध्यान रखा जाता है, उनसे फूड लिया जाता है या उनको घर दिया जाता है, उनकी केयर की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। इसी के साथ अपने ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।